आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखो दोस्तों, मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि ये हमारा थर्ड लेक्चर है, और अगर आपने हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों एक चीज़ बता दूं मैं आपको, मैं इस लेक्चर में, पूरे कंप्लीट लेक्चर में एचसी वर्मा और एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी देने वाला हूं, तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ अपलोड हो रहा है वीडियो। देखो पहले हम लोग थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में फिर न्यूमेरिकल्स पर आएंगे। देखो तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स विद ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, तुमने एक चीज़ अभी सीखा था प्रीवियस वीडियो में, आपने सीखा था क्या, कूलॉम्स लॉ के बारे में। क्या पढ़ा था? कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ तुमने यही पढ़ा था कि फोर्स इज इक्वल टू होता है क्या, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। क्या पढ़ा था? के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। ये क्या था तुम्हारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था। दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स में आपने पढ़ा है क्लास 11th में, 9th में भी पढ़ा होगा, तो छोटे बच्चे भी जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कि ग्रेविटेशनल फोर्स देखो क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो मासेस के बीच में आता है ना शायद, ग्रेविटेशनल फोर्स बोला है, जानते हो कि नहीं जानते हो? ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है? दो बॉडी के मासेस के कारण लगता है। तो कह सकते कि इसका वैल्यू क्या आया था, आपने यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन निकाला होगा क्लास 11th में, तो आपने पढ़ा होगा एफ इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। देखो एक चीज देखें तो दोनों का हम लोग कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले मैं कंपैरिजन क्या बताता हूँ आपको कि देखो जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है इट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, यानी कि कह सकते हो यहाँ पे फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जो आपका कूलॉम्स लॉ है, कूलॉम्स लॉ भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, यानी कि यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वन अपॉन, इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अच्छा, यानी कि दोनों देखा, दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं, लेकिन दोनों का डिफरेंस क्या है? जो आपका कूलॉम्स लॉ होता है, कूलॉम्स लॉ में जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी होता है, इट इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, यानी कि अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, क्योंकि तुमने देखा था कि यहाँ पर जो फोर्सेस होते हैं, अगर सपोज कर लो कि दो लाइक चार्जेस हैं, तो लाइक चार्जेस के बीच में जो लगने वाले फोर्सेस थे वो कैसे थे? रिपल्सिव थे, और जो अनलाइक चार्जेस के बीच में जो लगने वाले फोर्सेस थे वो कैसे थे? अट्रैक्टिव थे। लेकिन अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसा होता है? अट्रैक्टिव होता है। देखो अगर कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर ए और बी दो पोजिशन है, और दोनों पोजिशन पर सपोज कर लो दो इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, दोनों जगह पे इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। अच्छा तुमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन का क्या कुछ मास भी होता है यार? हाँ, मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻³¹ kg होता है, 9.1 × 10⁻³¹ kg होता है, किसका? इलेक्ट्रॉन का मास। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन के पास मास भी होता है। मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻³¹ kg, और दूसरा यहाँ पर चार्ज भी होता है, और चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम। अच्छा तो देखो भाई, इधर आते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पहले निकालते हैं। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर क्या मिल जाएगा तुम्हें, तुमने निकाला था इसके पहले वाले जो लेक्चर हैं, अगर आपने देखा नहीं है तो जाइए पीछे जाकर प्रीवियस लेक्चर्स को देखो, वहाँ पर इस के की वैल्यू बताई गई है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, इसका वैल्यू था इनटू। अच्छा एक बात बताओ, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? देखो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻¹⁹ यहाँ पर दूसरे चार्ज की बात करो तो इसका भी कितना हो जाएगा? 1.6 × 10⁻¹⁹, तो दो बार मल्टीप्लाई ना करके हम डायरेक्टली स्क्वायर लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सपोज कर लो कि इन चार्जेस को हमने 1 मीटर डिस्टेंस पे, या 1 सेंटीमीटर, सर हमने इन चार्जेस को 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है।
अगर इन चार्जेस को 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा है तो सेंटीमीटर उसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर में कन्वर्ट करने में कितना हो जाएगा आपका 10^-2, 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है 10^-2 मीटर, यानी कि देखो यहां पे हमने इसको मीटर में वैल्यू रख लिया का होल स्क्वायर। देखो डिस्टेंस अभी r का वैल्यू हमने निकाला, x का वैल्यू है 1 सेंटीमीटर का वैल्यू 10^-2 और इसका स्क्वायर है, यानी कि इसका भी क्या हो गया हमारा स्क्वायर हो गया। अच्छा देखो दोस्तों इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो इस पूरे कंप्लीट वैल्यू को सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 2.3 × 10^24 न्यूटन। इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करने पर तुम्हें मिलेगा कितना 2.3 × 10^24 न्यूटन। अच्छा अब हम लोग बात करते हैं इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। देखो यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर क्या मिल जाएगा आपको, इस g की वैल्यू कितनी होती है 6.67 × 10^-11 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10^-31 kg। अच्छा जरा देखो यही दोनों का मास होगा और अगर दोनों का मास सेम है तो इसका क्या कर दो स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, यहां पर भी डिस्टेंस को मीटर में रखना होगा आपको, तो लिख सकते हो क्या 10^-2 का स्क्वायर। और इस कंप्लीट वैल्यू को जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कितना 5.5 × 10^-67 न्यूटन। यानी कि यहां पर तुम्हें ग्रेविटेशनल फोर्स कितना मिला 5.5 × 10^-67 न्यूटन। और जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना मिला 2.3 × 10^24 न्यूटन। यानी कि हमें एक चीज देखने को मिल रहा है क्या कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है भाई। चाहो तो दोनों को कंपेयर कर सकते हो और दोनों को कंपेयर करके यह निकाल सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कितने टाइम्स होता है। अब देखिए अब हम लोग आते हैं दूसरा टॉपिक है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, सिंपली मैं तुम्हें बता दूं, फोर्स ऑन अ सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्जेस। कैसे, सपोज करो कि कोई चार्ज है, कोई एक सिंगल चार्ज है तुम्हारा, यहां पर मान लेते हैं कि हमारा कोई चार्ज है q1, यहां पे q1 चार्ज है हमारा, और इस q1 चार्ज पर n नंबर ऑफ चार्जेस फोर्स लगाते हैं, इस q1 चार्ज पर n नंबर ऑफ चार्जेस क्या लगाते हैं फोर्स, इनके q1 चार्ज है, इस q1 चार्ज पर दूसरा चार्ज q2 है जो कि फोर्स लगा रहा है, इसके बीच का डिस्टेंस सपोज कर लो कि r12 डिस्टेंस है, ये दूसरा चार्ज है आपका q3 इस पे फोर्स लगा रहा है जिसके बीच का डिस्टेंस सपोज कर लो कि r13 है, तीसरा चार्ज है आपका qn चार्ज फोर्स लगा रहा है और इसके बीच का डिस्टेंस सपोज कर लो कि r1n है। तो जरा देखो तो तुमने एक चीज पढ़ा कूलम्स लॉ में कि दोनों के दोनों फोर्सेस क्या होते हैं इक्वल होते हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों के दोनों फोर्सेस क्या होते हैं इक्वल होते हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे q1 इस पे फोर्स लगाएगा, q2 इस पे फोर्स लगाएगा, लेकिन हमें निकालना क्या है q1 पर टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं, किस पे q1 पर टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं। तो जरा देखो तो q2 से फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, मान लिया यहां पर ये फोर्स लगा रहा है या f12 फोर्स लगा रहा है। अच्छा दूसरा जो फोर्स लग रहा है इधर लग रहा है सपोज को ले क्या हो गया F13 फोर्स लग रहा है जो कि Q3 चार्ज Q1 पर लगा रहा है। नेक्स्ट कौन सा फोर्स हमने मान लिया, ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं, सारे चार्जेस को लिखने के बजाय हमने Q1 लिख लिया है, Q1 जो इस पर फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ लगा रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है F1n फोर्स लगा रहा है। अच्छा तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यह कहता है कि किसी भी पॉइंट पर टोटल फोर्सेस का जो सम होता है वही हमारा रिजल्टेंट फोर्स होता है। जैसे मान लो कोई चार्ज है, इस चार्ज पर लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं अगर उन सारे फोर्सेस का आप रिजल्टेंट निकालें तो इट विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, यानी कि सारे के सारे फोर्सेस का वेक्टर सम होता है नेट फोर्स। यानी कि यहां पर क्या लिख सकते हो F net इज इक्वल टू, यानी कि वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, यानी कि F12 प्लस F13 प्लस F1n, यानी कि आप हम देख रहे हैं क्या हमने तीन फोर्स लिए थे यहाँ पर, चलो डॉट डॉट करके लिखेंगे क्योंकि n नंबर ऑफ चार्जेस हैं
पूरे को हमने ना लिख करके यहां पर वन से चार्ज वन से लेकर के एन तक हमने लिख दिया ऐसे मान लो। इस कंडीशन में देखो जरा, अगर हम बात करें F12 की, तो F12 की वैल्यू कितनी होगी, 1 upon 4 pi epsilon naught। देखो F12 किसके कारण लग रहा है, सेकंड चार्ज के कारण, किस पर लग रहा है, पहले चार्ज पर, यानी कि Q1 पर फोर्स लग रहा है Q2 के कारण, यानी कि यहां पे क्या कर सकते हो Q1 Q2 divided by इसका देखो डिस्टेंस इसके बीच कितना है r12 का स्क्वायर, r12 का स्क्वायर, और इसका ओरिएंटेशन कैसे होगा r21। जिसने भी कूलॉम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म नहीं देखा है इसके पहले वाले वीडियो को जाकर के देखिए, वहां पर आपको मिल जाएगा कि डायरेक्शन कैसे हम लोग दिखाते हैं, एक बार जाकर के जरूर देखिए दोस्तों अगर देखा नहीं है तो। तो देखो यहां पे क्या है, f12 का वैल्यू मिल गया हमें क्या, 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 by r12 का स्क्वायर। तो यह क्या था तुम्हारा मैग्नीट्यूड, यह क्या है मैग्नीट्यूड है, यानी कि इसको डायरेक्शन भी वेक्टर क्वांटिटी होता है ना यार, फोर्स, फोर्स कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसलिए हमने यहां पे क्या लिखा मैग्नीट्यूड के साथ-साथ डायरेक्शन को भी लिख लिया, प्लस या फोन थ्री का देखो जरा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अच्छा देखो जरा क्यू वन पर क्यू थ्री चार्ज फोर्स लगा रहा है तो या फोन थ्री हो रहा है, यानी कि क्यू वन क्यू थ्री डिवाइडेड बाई आर वन थ्री का स्क्वायर इनटू आर थ्री वन के प्लस डॉट डॉट, यह नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो अब यह के लिए लिख लेते हैं, चलो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट into q1 qn upon r1 n का स्क्वायर into r n1 कैप। जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है कि एक मैं कैसे लिख रहा हूं r21 कैप या r31 कैप या r n1 कैप, वो एक बार जाए प्रीवियस वीडियो को जाकर के देखें, आपको वहां से समझ में आ जाएगा कि मैंने कहां से लिखा है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो मैंने ऑलरेडी बता चुका है इस चीज को। तो देखिए यहां पे क्या मिल जाएगा तुम्हें, या नेट बराबर देखो इन सब में कॉमन क्या मिलेगा, चलो हम क्या करते हैं काम करते हैं 1 upon 4 pi epsilon naught को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो मिलेगा कि आपको q1 q2 upon r12 का स्क्वायर into unit vector r21 cap plus q1 qn upon r1 n का 13 का स्क्वायर into r31 cap plus q1, सॉरी यहां पर q3 है ध्यान दीजिएगा, क्या फिर क्या मिलेगा आपको q1 qn divided by r1 n का square into r n1 है। यह हमें मिल गया net force, यानी कि दोस्तों किसी भी एक चार्ज पर लगने वाले total force की अगर बात करो तो it will be equal to the vector sum of all forces, यानी कि इस चार्ज q1 पर जो भी force लग रहे हैं, q2 से जो force लग रहा है या q3 से जो force लग रहा है, जरा देखो q2 से कौन सा force लग रहा है या phone 2, q3 से कौन सा force लग रहा है या phone 3, qn से कौन सा फोर्स लग रहा है या फोन n। तो अगर तुम कहो कि टोटल फोर्स कितना होगा तो टोटल फोर्स क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही कहता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर चार्ज पर लगने वाला टोटल फोर्स जो होगा इट विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, यानी कि यहां पर जो चार्जेस थे जो फोर्स लगा रहे थे उनका हमने वेक्टर सम निकाल लिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो के लिए इंतजार करें, थैंक यू।